Good morning, students. So I welcome you all back in this new video. And in this new video, we will learn something more about vitamin D. ठीक है, vitamin C बात करते हैं, शुरू करते हैं vitamin D से. तो vitamin C के बारे में आपको last video में ऐसा बता रहा था कि vitamin C जो हमारे immune system को strong करती है. तो immune को मैंने आपको compare किया था हमारे army से. ठीक है, क्योंकि army जो border पर हमेशा रहती है, हमारे external जो enemies हैं, उनसे हमें बचाने के लिए वैसे immune system जो है हमारे body के अंदर होता है और वो हमें प्रोटेक्ट करता है आउटर वायरसेस एंड बैक्टीरिया से. तो जो अगर मान लो अगर न करना है बट अगर आपके बॉडी में अगर किसी तरीके से अगर कोरोना वायरस आता है तो उससे जो लड़ेगा कौन लड़ेगा, वो आपका इम्यून सिस्टम लड़ेगा. ठीक है, तो अगर आप उसे अगर मजबूत रखोगे, जैसे हमारे अगर आर्मी इतनी मजबूत है तो कोई दुश्मन हमें आग जाकर नहीं देख पाता है. ठीक है, तो वैसे ही अगर हमारा इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग होगा तो ऐसे वायरस आपके शरीर में कुछ नहीं कर पाएंगे. तो इनका ख्याल रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है. ओके, अब इसे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली आपको सारे न्यूट्रिएंट्स की उतनी जरूरत है जितनी बॉडी को डिलीवरी पर जरूरत है. लेकिन साथ में जो विटामिन सी है उसका खास ख्याल रखना है आपको कि उसे जितना आपकी बॉडी को डेली जरूरत है उतना आप उसे फुलफिल करो. एंड स्पेशल जो आप बच्चे हो, आपको जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना हाई न्यूट्रिशन फूड है, उन्हें आपको डेली कंज्यूम करना चाहिए. जैसे डेली आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो खाना चाहिए, चपाती, राइस, बाजरे की रोटी या फिर जो हम खाना खाते हैं डेली बेस पर, वो आपको एक नॉर्मल डाइट आपको कम से कम जो एक जरूरत आपकी बॉडी को वो बना करके और उसे फॉलो करना चाहिए. ठीक है, चलो अब आते हैं विटामिन डी पर. तो विटामिन डी जो है वो हमारे बॉडी को यूज कैल्शियम यूज करने के लिए हेल्पफुल है. विटामिन डी जो है उसका काम है कैल्शियम को यूज करना. ओके, तो जो विटामिन डी है आपको कैल्शियम कहां से मिलेगा? तो कैल्शियम का जो बेस्ट सोर्स है वो है आपका दूध, यानी कि मिल्क, जो आप रोज सुबह उठ करके पीते हो. अगर नहीं पीते हो आपको पीना चाहिए. तो क्या होता है कि हमें वहां से कैल्शियम मिलता है. और जब आप विटामिन डी को कंज्यूम करते हो तो जो आपने कैल्शियम आपकी बॉडी में गया है उस कैल्शियम को यूज करने के लिए विटामिन डी की आपको जरूरत पड़ती है. ओके, एंड जो कैल्शियम है उससे आपकी जो बोन है, यानी कि जो हड्डी है, ठीक है, हड्डी और जो दांत है, आप जो दांत हैं देख रहे हैं, दांत आपको पता होगा, टीथ एंड आपकी जो बोन्स हैं उनको स्ट्रांग रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है. फूड्स देयर आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 2.6 एंड फिगर 2.9. मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल. तो जो गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए है उसमें मैं आपको बोलूंगा कैरोट. ठीक है, कैरोट है आपका विटामिन ए के लिए. विटामिन बी के लिए मैं आपको बोलूंगा वीट और राइस. ठीक है, मैंने वीट लिखा है, मैं आपको राइस भी सजेस्ट करता हूँ. टोमेटो है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन और आंवला है. इन सबको अगर आप जो भी सीजन वाइज आपको अवेलेबल है वो अगर आप कंज्यूम करोगे डेली बहुत ही अच्छा रहेगा. ओके, सीजन वाइज. एंड लास्टली जो है विटामिन डी है, तो विटामिन डी का हमने क्या देखा था? विटामिन डी के लिए हमने मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स देखा था. ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ मिल्क ले रहा हूँ. तो मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. Our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. So, आज से generation mobile phone का है, smart technologies का है. तो आजकल जो आप बच्चे लोग वो बहुत ही कम खेलते हो बाहर घर से. ओके, घर से बहुत कम निकलते हो, pandemic भी है तो घर से कम निकलते हो और बहुत ही कम खेलते हो. इसकी वजह से क्या होता है कि आपके body को sunlight properly नहीं मिलती. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह समझने वाली कि जो हमारी बॉडी है वो खुद भी विटामिन डी प्रिपेयर करती है. बट कैसे करती है? जब आप सुबह सुबह की जो सनलाइट है उसमें अगर आप अपने बॉडी को अगर आप उस सनलाइट को अगर रखते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी को प्रॉपरली विटामिन डी बनाने की जो जरूरी है वो सफिशेंट वो अपना पूरा कर लेगा. ठीक है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.1.
ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम ब्रेक लेते हैं इस वीडियो पर और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हम शुरू करेंगे फिर से यहीं से, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डाइट्री फाइबर्स कैसे हमारे बॉडी के लिए जरूरी है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।